गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ क्लास 9 फिजिक्स दैट इज वेस्ट एंड मोशन। तो हमने अपने पिछले क्लासेस में किस किस चीजों के बारे में पढ़ा था? हमने अपने पिछले क्लासेस में शायद तुम्हें स्केलर वेक्टर के बारे में पढ़ाया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बता देने के बाद आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड ठीक है आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है इस तरह से समझेंगे। मोशन तो पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट और टाइम तो हम लोग बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, देखो चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो अब तुमको इतना तो पता है कि कभी भी कोई बॉडी अगर मोशन में रहेगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मान लो यहाँ पर मेरा एक ये कार है। ठीक है, ये कार ट्रैवल कर रहा है, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो हम अगर हम बोले ठीक है कि ये जो कार है यहाँ मान लो डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम है। हम बोलेंगे कि ये जो कार है ये टाइम t इक्वल टू फॉर एग्जांपल मान लो वन आवर में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर। ठीक है, पहले घंटे में से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 आवर्स। फिर हम बोलेंगे कि फिर इसने एक घंटे और मतलब फिर दूसरे घंटे में 0 से 1 आवर फिर 1 आवर से 2 आवर मतलब फिर एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बोलो, 5 किलोमीटर। फिर इसने अगले फिर एक घंटे में इसने फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी है मेरा या ये जो पर्टिकुलर कार है ये हर घंटे में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। बोलो ये जो मेरा कार है ये मोशन में है तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है ना, तो हर 1 आवर में ये 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो बॉडी है, इफ अ बॉडी कवर्स ठीक है ना इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखो यहां पर ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ये 5 किलोमीटर ट्रैवल तो कर रहा है लेकिन ये तीनों डिस्टेंस ये हर डिस्टेंस 1 आवर में ही ट्रैवल कर रहा है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम एक बार 1 आवर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरे बार मान लो यहाँ 2 आवर हो जाता है या हाफ आवर हो जाता है, हम ये देखते कि हाफ आवर में इसने कैलकुलेट किया नहीं। इंपॉर्टेंस क्या है कि टाइम इंटरवल इक्वली होना चाहिए, मतलब हम एक घंटे को ही कंसिडर कर रहे हैं, 1 आवर को ही कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ये एक पहले 1 आवर में कितना ट्रैवल किया, फिर दूसरे घंटे में कितना किया, फिर तीसरे घंटे में कितना किया है कि नहीं। तो टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, मतलब टाइम ड्यूरेशन हमेशा 1 आवर का ही है और हमको ये देखना है कि हर उसने फिक्स टाइम ड्यूरेशन में वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल टाइम इंटरवल ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर से समझो, देखो अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल मतलब देखो तीनों टाइम इंटरवल 1 आवर 1 आवर और 1 आवर का ही है और इन तीनों इन टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस भी इक्वल ट्रैवल कर रहा है, पहले भी 5 दूसरे में भी 5 और तीसरे में भी 5 है ना, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल तो मोशन कैसा होगा बोलो, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो अब अगर मान लो ऐसा हो गया है ठीक है कि पहले 1 आवर में इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया मान लो 5 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे आवर में इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 6 किलोमीटर और तीसरे में फिर इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया मान लो 4 किलोमीटर। समझ आया? तो देखो अब क्या हो रहा है कि टाइम इंटरवल तो मैंने इक्वली रखा है, मतलब मैं स्टडी तो हमेशा 1 आवर का ही कर रहा हूं लेकिन अब ये बॉडी हर उस 1 आवर में डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल नहीं कर रहा है। पहले घंटे में इसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे घंटे में इसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया और तीसरे घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बोलो, 4 किलोमीटर। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या हो जाएगा, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल की जगह हो जाएगा बस अनइक्वल।
ठीक है, समझ में आ गया। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, टाइम इंटरवल हमेशा इक्वली रहेगा, हम लोग अपना टाइम ये ऐसे ही कंसिडर करेंगे, हम हमेशा एक फिक्स टाइम में देखेंगे कि वो फिक्स टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर फिक्स टाइम इंटरवल में अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है तो हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर फिक्स टाइम इंटरवल में अगर वो अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा होता है वो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल ही है, इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म नहीं, ऐसे मोशन को बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। एक और कॉन्सेप्ट समझ के कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चलो वेरी गुड, अब बढ़ते हैं आगे। देखो इस चीज को समझने से पहले, चलो यहां पर हम लोग वापस जाते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मान लो ये कोई पोजीशन ए है, ये कोई पोजीशन अगर बी है, तो अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन ए से बी चेंज करता है फिक्स रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम बोल सकते हैं मोशन में, तो ए से बी जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते थे, है ना, ये पाथ पी वन, ये पाथ पी टू और ये पाथ पी थ्री। जब कोई बॉडी कैसा पाथ लेता है वो डिपेंड करता है, हाँ कोई बार बॉडी कैसा पाथ लेता है फिर डिस्टेंस उस पाथ पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर पाथ पी वन लेगा तो कुछ और डिस्टेंस, पाथ पी टू लेगा तो कुछ और डिस्टेंस और पाथ पी थ्री लेगा तो कोई और डिस्टेंस। ये सारी चीजें क्लियर है, और डिस्टेंस क्योंकि मेरा पाथ डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस उतना ही होगा जैसा पाथ हम लेंगे। ठीक है, तो देखो अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, देखो अगर ये पोजीशन ए से बी गया होगा, है ना, अगर ये अपना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई बॉडी अगर मूव करके गया होगा तो ए और बी में उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही होगा। बोलो, ए से बी में उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही होगा, और वो जो डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है कि उसने पाथ कौन सा लिया। अब एक और कॉमन सेंस का बताओ, अगर मान लो इसने पाथ पी वन ही लिया होगा, और पी वन में मान लो पाथ पी वन में फॉर एग्जाम्पल मान लो इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, ए से बी जाने के लिए इसने पाथ पी वन लिया और उसका डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर। तो अब बताओ हम ये भी तो हम अब एक कॉमन सेंस से ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है इसने पाथ पी वन तो लिया, इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, लेकिन ये किसी स्पीड से भी तो गया होगा ए से बी। बोलो, किसी स्पीड से भी तो गया होगा ए टू बी। देखो सिंपल सा बात है, मान लो हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, हमको यहाँ से मेरे स्कूल जाना है, ठीक है, हम अपने घर से बाइक स्टार्ट किए, ठीक है, और यहाँ से मेरे स्कूल का डिस्टेंस जो है जिस रास्ते से हम जाते हैं जो पाथ हम लेंगे वो मान लो 20 किलोमीटर है, यहाँ से मेरे स्कूल 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो हम वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल तो करेंगे लेकिन हम किसी स्पीड से भी तो जाएंगे, है ना, किसी स्पीड से भी जाएंगे यहाँ। तो यहाँ पर एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोग स्पीड किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पॉइंट है इंपॉर्टेंट है पोजीशन का चेंज होना। ठीक है, पोजीशन अगर चेंज होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में है। बोलो है कि नहीं, जब कोई बॉडी मोशन में होगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रैवल करेगा, और कुछ ना कुछ अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड भी तो होगा। बोलो, उसका कुछ ना कुछ स्पीड भी तो होगा, है कि नहीं। अगर हम बाइक चलाकर जा रहे हैं तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लो मेरा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, जब हम देखेंगे रोड खाली है तो उसे हम अपने एक्सेलरेट करेंगे, मेरा स्पीड भी होगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो हमेशा किसी ना किसी स्पीड से भी करेंगे। तो आखिर ये स्पीड होता क्या है, ठीक है, ठीक है, देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हो एक चीज कि स्पीड मेरा क्या होता है। बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैसे निकालेंगे। देखो पाथ पी वन इसने ट्रैवल किया और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, मतलब इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, ठीक है, और मान लो ये 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसको टोटल टाइम कितना लगा, हो सकता है कि 2 आवर्स मान लो लगा हो, तो कितना हो जाएगा स्पीड, कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर आ गया ना। मतलब देखो इस यूनिट से कॉन्सेप्ट को पकड़ने का कोशिश करो, देखो इसका मतलब क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये जो बॉय जो तुम ए से बी गए हो पर आवर तुमने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया 5 पर आवर, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है 5। देखो यूनिट से चीजों को पहचानने का कोशिश करो, लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। स्पीड का मतलब किलोमीटर पर आवर, ये क्या बता रहा है कि एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर स्पीड मैं तुम्हें दे दूं 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी एक स्पीड का यूनिट है,
है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो बॉडी है ये हर सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यूनिट से चीजों को फिजिकली फील करो। यूनिट का मतलब क्या हो गया, देखो डिस्टेंस बाय टाइम है ना, तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, कोई भी यूनिट हो सकता है। तो हर सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बताता है स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या बताता है कि हर सेकंड में मेरा बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? देखो ऐसे स्पीड को जो तुम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालते हो, ऐसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। ऐसे स्पीड को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। देखो इस एवरेज स्पीड का भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इसको यहीं पर समझ जाओ, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, देखो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो तुमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब देखो मान लो मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुम बाइक से निकले, ठीक है, तुमको अपने फ्रेंड के घर जाना है। ठीक है, जब तुम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो उस समय तुम्हारा स्पीड क्या होगा, जीरो है ना। फिर तुम गाड़ी जब स्टार्ट किए होगे तो धीरे धीरे तुम्हारा स्पीड बढ़ा होगा, हो सकता है कि पहले सेकंड में तुम्हारा स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड हो। फिर तुम जब रोड पर निकले तो तुम देखे कि अरे ये तो रोड बहुत खाली है, दोपहर का समय है, कोई रोड पर है नहीं। तो तुम गाड़ी बाइक को अपने बहुत तेजी से लेकर गए, तो उस समय तुम्हारा स्पीड भी क्या हो गया, बोलो ज्यादा हो गया है ना। फिर तुम आगे जाके तुम एक मार्केट में चले गए, वहां पर बहुत लोग थे, भीड़ भाड़ था, तो फिर तुमने ब्रेक लगाया, तुम्हारी गाड़ी का स्पीड क्या हो गया, बोलो फिर स्लो हो गया है कि नहीं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर हम तुमसे पूछें कि तुम हमको बताओ कि तुमने अपने घर से अपने फ्रेंड तक के घर के जाने में कौन से स्पीड से ट्रैवल किया, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो मेरा कॉन्सेप्ट, हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछें कि तुम बताओ कि तुमने अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाने में कितने की स्पीड से तुम गए, तुम सोचते हो हम कौन सा स्पीड बताएं, जिस समय हम चले थे वो स्पीड बताएं, कि जब रोड खाली था उस समय हम बाइक जिस स्पीड से चला रहे थे वो वाला स्पीड बताएं, कि या वो स्पीड बताएं जब हम मार्केट में चले गए वहां बहुत भीड़ भाड़ था तो मैंने ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को धीरे किया, वो वाला स्पीड बताएं। समझो मेरी बात को, है कि नहीं, बोलो। तो मेरा ये पॉइंट है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के बीच में तुम बहुत बार ऐसा होगा कि तुम अपने स्पीड्स रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर चेंज करते रहोगे, है ना, अपने स्पीड्स को चेंज करते रहोगे। ठीक है, तो उस वैसे क्वांटिटीज को वैसा जब स्टडी करते हैं, जब मेरा इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के बीच में स्पीड मेरा सेम ना हो, हमेशा हम एक ही स्पीड से नहीं जा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम एवरेज क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, एवरेज क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है कि तुमने जितने भी स्पीड्स लिए हो, है ना, जब तुम स्टार्ट किए होगे तो कुछ और स्पीड होगा, रोड फ्री था तो कुछ और स्पीड था, तो मार्केट में गए तो कुछ और स्पीड था, तो हर अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग मोमेंट पे तुम्हारे स्पीड्स क्या थे, अलग अलग थे। तो तुम क्या करोगे, तुम एक एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से। इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं, ऑन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे गाड़ी का स्पीड इतना था। देखो इस चीज को और अच्छे से समझाते हैं। देखो मानो, ठीक है, मान लो एक लड़का है राम, ठीक है, एक लड़का है राम, ठीक है, उसने 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया। ठीक है, उस बच्चे ने क्या किया, 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया। ठीक है, मैं लिखते हैं सब्जेक्ट, मैथ्स, ठीक है, साइंस, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और SST। ठीक है, तो मान लो उस बच्चे ने 5 पेपर्स का सब्जेक्ट दिया, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और SST। मैथ में उसके नंबर आए 80, ठीक है, साइंस में उसके नंबर आए 80, ठीक है, इंग्लिश में उसके नंबर आए 85, हिंदी में उसके नंबर आए 75 और SST में उसके मार्क्स आए मान लो 90। ध्यान से देखना, ठीक है, एक राम बच्चा था, उसने 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए और उसके ऐसे मार्क्स आए, मैथ्स में 80, साइंस में 80, इंग्लिश में 85, हिंदी में 75, SST में 70, 90। अब बताओ, मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे एवरेज मार्क्स निकाल करके बताओ कि इसके आज का एवरेज मार्क्स कितना आया, तो बोलोगे सर ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सारे मार्क्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 5, 5, 10, 1, 8, 8, 16, 8, 24, 24 और 7, 31, 31 और 9, 40 और ये 41, तो 410, मतलब इसके टोटल मार्क्स कितना है, 410। अगर अब हम तुमको बोलेंगे कि बताओ बेटा कि इसका एवरेज मार्क्स कितना आया, ठीक है, इसका एवरेज मार्क्स कितना है, तो वो लोग ऐसा सिंपल है, टोटल मार्क्स कितना आया, 410 डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट में आया, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, बोलो 82। ठीक है, ये इसका एवरेज मार्क्स आया। एवरेज मार्क्स राम ने कितना ऑब्टेन किया, एवरेज मार्क्स राम ने कितना ऑब्टेन किया, 82। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे समझाएंगे।
ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो एक राम था जिसने 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिया, उसके इतने इतने मार्क्स आए हर सब्जेक्ट में, और मैंने बोला कि इसका एवरेज मार्क्स कितना आया, तुमने इस सबको एज का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया 82। देखो अब यहीं पर कॉन्सेप्ट है, देखो यहीं पर कॉन्सेप्ट है एवरेज का। देखो अब ये जो मार्क्स आया एवरेज 82, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम मान सकते हैं कि इसके हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए। ध्यान से सुनना, हम ये मान सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में इसने लगभग इतना मार्क्स सिक्योर किया है 82। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इसके 82 इन 500 सब्जेक्ट में से किसी के भी मार्क्स 82 हैं, किसी का भी मार्क्स 82 है? नहीं। तो यही डिफरेंस है एवरेज क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, देखो एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली इसके किसी भी सब्जेक्ट में 82 मार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एवरेज 82 मार्क्स आया है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके 500 सब्जेक्ट में 82 नंबर आए हैं, इसके 5 सब्जेक्ट में 82 मार्क्स आए होंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि किसी में इसका 82 से कम है, किसी में 80 से ज्यादा है कि नहीं। तो ऐसे क्वांटिटीज को एवरेज बोलते हैं, ठीक है। एवरेज हमेशा एक वो नंबर होता है जो तुम्हारे पूरे एंटिटी को डिफाइन कर सके, तुम्हारे पूरे एंटिटी के बदले हम उस एक नंबर को बता सकते हैं ना। अगर हमको इंडिविजुअली ये नहीं पता हो, लेकिन अगर हमको एवरेज पता हो तो हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज तुम्हारा इतना मार्क्स है, मतलब लगभग तुम्हारे सब सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो इसके आसपास होंगे, है ना, इसके आसपास होंगे। तो एवरेज क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल फिगर कभी नहीं देता, एवरेज क्वांटिटी हमेशा तुमको कभी भी एक्चुअल फिगर नहीं देगा कि भाई हमेशा तुम्हारा अगर 82 आ गया मतलब हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 82 ही आएंगे, नहीं। वो बस इतना बताता है कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टोटल मार्क्स कितने हैं डिवाइड बाय सब्जेक्ट जो है वो एक एवरेज आ गया, मतलब तुम्हारा ना एवरेज 82 मार्क्स होंगे। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में तुमको इसे 2-3 नंबर कम हो, 2-3 नंबर ज्यादा हो, वो इसके आसपास ही रहेगा, है ना। तो ये एवरेज बिहेवियर होता है। उसी तरीके से एक गाड़ी का स्पीड हर एक मोमेंट पे, हर एक बॉडी का जो स्पीड है, जो मोशन है बॉडी का, वो हर एक मोमेंट पर अलग अलग हो सकता है ना, वो हर एक मोमेंट पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर किस मोमेंट पर कितना है वो हमको जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमको बस इतना बना है कि क्या तुम उस पूरे जर्नी का कोई एक स्पीड बता सकते हो, जब हम ये बोले कि भाई ऑन एन एवरेज एक एवरेज वे गाड़ी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया है तो उसका स्पीड कितना होगा। तो ये होता है एवरेज स्पीड जो तुम्हारे इस फॉर्मूले से निकलता है, ठीक है। अगर मान लो किसी बॉडी का अगर एवरेज स्पीड मान लो अगर हम बोले 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी हमेशा इतने की स्पीड से चल रहा होगा, नहीं। उसका मतलब ये नहीं था कि उसको हर सब्जेक्ट में मार्क्स 82 है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका गाड़ी का स्पीड हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कभी किसी इंसिडेंट पे इस गाड़ी का स्पीड इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं, ठीक ना, ऑन एन एवरेज ये बोल सकते हैं कि जो भी स्पीड हो इस 50 के आसपास ही होगा, कभी कुछ ज्यादा होगा, कभी कुछ कम होगा। समझ में आ गया। तो एवरेज क्वांटिटी क्या हो गया, एवरेज स्पीड क्या हो गया, उन सारे स्पीड्स को मिला करके एक अकलौता स्पीड है जो उन सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर हो गया एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब स्पीड के बारे में पढ़ लिया, डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, अब एक और क्वांटिटी डिफाइन किया था जिसको बोलते हैं, बोलो डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन किया था ना। तो तुमने क्या किया, तुमने डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को स्पीड बोला, बोला ना, या एवरेज स्पीड बोला, ठीक है, एवरेज, ठीक है, तुमने डिस्टेंस डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को एवरेज स्पीड बोला। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस ही है ना, बस फर्क कितना है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर तुम, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी बताए थे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दे दोगे, तो इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी। इस टर्म को क्या डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। इसका भी यूनिट वही होगा, यूनिट इसका भी सेम है, मीटर पर सेकेंड हो या किलोमीटर पर आवर हो, दोनों में से कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर तुम डिस्टेंस को कंसिडर करते हो, तुम अगर ये देखते हो कि तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम में, तब तुम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो।
लेकिन अगर तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो कि तुमने तुमने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम, तब तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है? देखो, अगर तुम डिस्टेंस देख रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो तुम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो, और अगर तुम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब अगर तुम ये डिफाइन कर सकते हो, तो अगर तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, अगर तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, तब तुम बोल सकते हो कि मैंने क्या डिफाइन किया, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ये भी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है, तो ये वेलोसिटी भी जो आएगा ये भी कैसा आएगा, बोलो, एवरेज। ये भी कैसा आएगा मेरा, एवरेज। मतलब पूरे जर्नी का, पूरे जर्नी में वेलोसिटी हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो, लेकिन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब कि ऑन एन एवरेज तुम ये बोल सकते हो कि मेरा वेलोसिटी पूरे जर्नी में ये रहा था। बोलो, क्लियर हो गया? ठीक है, तो डिस्टेंस का बात करेंगे तो स्पीड आएगा, और डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। ठीक है, चलो, इतना जानने के बाद अगर आगे बढ़े तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, देखो, अगर देखो, चलो स्पीड पे आओ, अगर मान लो डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता था, ठीक, और टाइम तो हमेशा स्केलर है, 2 सेकंड 3 सेकंड, कभी कोई डायरेक्शन में थोड़ी डिफाइन करते हैं, बोलते हैं टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड, या 1 घंटा, या 2 घंटा, 10 घंटा, ये सिर्फ स्केलर है। तो ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है, तो दोनों स्केलर है, तो ये स्पीड भी क्या होगा, बोलो, स्केलर। मतलब स्पीड जो है वो मेरा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड कैसा क्वांटिटी है मेरा, स्केलर। इसको भी डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, तो डिफाइन हो गया, मतलब स्पीड कंप्लीटली डिफाइन हो गया सिर्फ एक स्केलर से। अब वेलोसिटी, अब देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर, और टाइम कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर, और टाइम कैसा है, स्केलर। हमेशा हमेशा बच्चों एक बात याद रखना, कभी भी तुम एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टिंग क्वांटिटी एक वेक्टर होता है। ठीक है, या एक वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो भी रिजल्टिंग क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर। ये चीज को याद रखो। ये चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये तुम्हारे लेवल पर नहीं है, हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस चीज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई स्केलर, स्केलर मतलब एक नंबर है ना, एक स्केलर को कभी भी तुम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टिंग क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, बोलो, एक वेक्टर। अगर एक वेक्टर को तुम स्केलर से डिवाइड कर दोगे तो भी रिजल्टिंग क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर। मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रिजल्टिंग क्वांटिटी हमेशा एक वेक्टर ही होता है। तो देखो, यहां पर स्केलर था, यहां पर स्केलर था, तो ये स्केलर आया, लेकिन यहां पर एक वेक्टर है और वेक्टर को तुम किससे डिवाइड कर रहे हो, स्केलर से, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी क्या आएगा, बोलो, एक वेक्टर। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर होता है, लेकिन वेलोसिटी कैसा होता है, वेक्टर। अब ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। अगर हम सिर्फ इतना लिख देंगे 2 मीटर पर सेकेंड, अगर इसका वेलोसिटी लिख देंगे तो ये कम्प्लीटली डिफाइन नहीं हुआ, हमको इसके साथ इसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। मान लो नॉर्थ लिख दिए, ठीक है, अब जाके ये वेलोसिटी कम्प्लीटली डिफाइन हुआ कि इसका भाई मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तब जाके वेलोसिटी कम्प्लीटली डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, इतना अगर तुमको समझ में आ जाता है तो, इतना अगर तुम समझ गए तो हमको एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व है सेम डिस्प्लेसमेंट की तरह, तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकता है, है ना। तो वेलोसिटी भी, तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी भी मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। देखो, पॉजिटिव कब होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। चलो, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देते हैं जो तुमको बहुत आगे यूज भी आएगा, ठीक है। मान लो एक बॉल है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये पेन है मेरा, इस पेन को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं ना, इस पेन को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो मान लो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एग्जांपल, मान लो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, तो वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मेरा वेलोसिटी आएगा। तो मान लो हम बोल रहे हैं कि अगर मैंने इसको ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका, 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका, तो मतलब मेरा वेलोसिटी जो है
इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका कितने के वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंका। देखो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड हो गया 2 मीटर पर सेकंड, और तुमने डायरेक्शन भी बताया कि मैंने ऊपर के डायरेक्शन में डायरेक्शन दिया ना कि 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन भाई कहाँ, बॉल को किस डायरेक्शन में फेंका, इतने के वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में फेंका, इंपॉर्टेंट है ना। बॉल का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से हम बॉल को इधर भी फेंक सकते हैं, बॉल को उधर भी फेंक सकते हैं, ऊपर भी फेंक सकते हैं, नीचे भी फेंक सकते हैं। तो कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड का तो है, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तब जाके देखो ये कंप्लीटली डिफाइन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये बॉल मान लो ऊपर गया, तो देखो क्या होगा कि बॉल को ऊपर फेंकोगे तो बॉल ऊपर जाता जाएगा, एक समय बॉल रुक जाएगा और फिर बॉल नीचे गिरेगा, वापस मेरे पास आ गया ना, कैच कैच प्रैक्टिस करते हैं। तो बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गया, ऊपर एक जगह पर जाकर रुक जाएगा, रुकने के बाद वापस से बॉल नीचे आएगा। तो मान लो अगर ये बॉल अब ऊपर से नीचे आ रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये बॉल मान लो ऊपर से अब अगर नीचे आ रहा है और वेलोसिटी मान लो यहाँ पर अगर मान लो मैं बोलूँ कि 3 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी मान लो अगर 3 मीटर पर सेकंड है, तो अब हमको बताओ, देखो याद करो डिस्प्लेसमेंट के अगर एक डायरेक्शन वेक्टर के अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो दूसरा डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव। अगर तुमने ऊपर को पॉजिटिव ट्रीट किया है तो नीचे को क्या ट्रीट करना पड़ेगा, -3 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, या माइनस लगा दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने इसको प्लस लिख कर लिखा है, मतलब अगर तुम इसका अंडरस्टूड है, तुमने ऊपर को पॉजिटिव लिया तो नीचे आ रहा है, तुमने माइनस लगा दिया है। ठीक है, जैसा डिस्प्लेसमेंट में होता था, बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता था तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में करता था तो नेगेटिव। उसी तरीके से बॉल को ऊपर जिस वेलोसिटी से फेंका, अगर तुमने उसको पॉजिटिव लिया है तो बॉल जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, समझ में आ गया, जब डायरेक्शन अपोजिट होंगे। ठीक है, और जीरो कब होगा, देखो, ठीक है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी तुमने कब डिफाइन किया, बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, देखो टाइम तो हमेशा आगे बढ़ता है, ये तो मान लो अगर 1 घंटा कंसिडर करोगे तो ये कभी एक नॉन जीरो टर्म है, एक टाइम इंटरवल के लिए। लेकिन ये वेलोसिटी कब जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, जब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाता है। प्रीवियस क्लासेस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर तुम्हारा सेम पॉइंट पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी का क्या बात करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब मेरा वेलोसिटी जीरो कब होगा, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मतलब मेरा इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आज के क्लास में मैंने क्या तुमको बताया, आज के क्लासेस में देखो, पहले तो मैंने तुम्हें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बताया, दूसरा मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया स्पीड और वेलोसिटी का। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, अगर हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मेरे बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमेशा हमको स्पीड देगा, और स्पीड मेरा हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर और टाइम भी स्केलर, स्केलर स्केलर हमेशा स्केलर ही देगा। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, मेरा अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल करेगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लेते हैं, अगर हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है, तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर हमेशा एक वेक्टर होता है, इसीलिए मेरा वेलोसिटी भी कैसा क्वांटिटी होगा, बोलो, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। फिर मैंने तुम्हें एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है, एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर एक बच्चे ने 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया और 5 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सब टोटल मार्क्स कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर देते हैं, तो वो मेरा एवरेज मार्क्स आ जाता है। एवरेज मार्क्स ये बताता है कि मोर और द लेस उस बच्चे के हर सब्जेक्ट में लगभग उतने नंबर आए होंगे। हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में उसके ज्यादा भी नंबर आए होंगे, किसी एक सब्जेक्ट में कम भी आए होंगे, है ना। तो एवरेज क्वांटिटी उन सारे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को हटा करके एक मार्क्स बताता है कि हम बोल सकते हैं कि इस बच्चे के 5 सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स आए हैं, है ना। उसी तरीके से कोई अगर बॉडी है, अगर कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तो उसके उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में उसके बहुत बड़ा स्पीड और उसके बहुत बड़े स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो सकते हैं ना, बहुत हर मोमेंट हो सकता है कि उसका स्पीड और वेलोसिटी कुछ कुछ डिफरेंट हो। ठीक है,
तो अगर हमको पूरे जर्नी के लिए एक स्पीड और एक वेलोसिटी डिफाइन करना होगा, तब हम एवरेज क्वालिटी एवरेज क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं और एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, जो उस पूरे जर्नी के मोशन को एक पर्टिकुलर पैरामीटर एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देगा। हम ये बोल पाएंगे कि उस पूरे जर्नी के दौरान उसका एवरेज स्पीड ये था और उसका एवरेज वेलोसिटी ये था। ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन तुमने क्या लिया है। अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन भी चाहिए। जीरो वेलोसिटी जीरो कब होगा? वेलोसिटी होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा तब एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कब जीरो होता है? तो वेलोसिटी मेरा जीरो तब होगा जब मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं, तो उस केस में मेरा वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो। थैंक यू।